लगा अंदर से ऐसे कुछ, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका काम है, जो जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो, जो आप जिस लाइन को आपने पकड़ा हुआ है, जिस रास्ते को, उस रास्ते का शुरुआत ऐसे ही होती है और अंत आपने अभी देखा होगा, जो तने चौकी लागे। तो फिर गाड़ी में जो आपको बेटर लगे ना, वो लेके निकलो आप मार्केट में। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो हमें तय करना है, और हम दिन प्रतिदिन जो सीखते हैं उसमें यही है कि पता नहीं किसको कब क्या बात लग जाए, है ना। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टॉपिक है मैंने रखा, फोर्स का क्या मतलब है। कुछ कुछ चीजें दिमाग में आ रही होंगी आपके, तो जयदेव सर क्या लग रहा है, फोर्स का मतलब क्या हो सकता है, जैसे आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो सर ये है कि हमारे बिजनेस में हमें कैसे फोर्स लगा के हमको करोड़पति बनना है जल्दी से जल्दी। क्या होता है फोर्स का मतलब सर? ही बताइए सर। थैंक यू। चलो बाकी चैट बॉक्स में आप लिखो, ये मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी। यस, और बाकी पार्टिसिपेट अपना माइक म्यूट रखेंगे क्योंकि वो बीच बीच में आवाज आती रहती है। यस, तो फोर्स का 5 तारीख है आज, और फोर्स का मतलब हम समझे तो, अगर मैं कहूं शॉर्ट में, फोर्स मतलब क्या होता है, जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं काम, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, अचानक से ऊंचाई आ गई है कहीं पे, है ना, तो क्या करेंगे, आपको वो पेडल जिस रफ्तार में आप लगा रहे थे वो थोड़ा और दम लगाना पड़ेगा आपको। जब किसी काम को कर रहे हो और वो काम ठीक से नहीं हो रहा हो, तो फिर लगाना पड़ता है फोर्स, मतलब एक्स्ट्रा ताकत की, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है आपको। अगर आपने वो उस समय पे, जो आपको सामने जो कहते हैं ना चढ़ाई आ गई थी, उस समय अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो क्या होगा? ठीक ऐसे ही बिजनेस में, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस स्मूथ चलता रहता है, चलता रहता है, एकदम से ऐसा समय आता है एक आधा लोग छोड़ के चले जाते हैं, या फिर कोई मतलब इस तरह की चीजें होती है कि आपका बिजनेस डाउन होने लगता है। अगर आपने उस समय वैसे ही काम किया जैसे करते आ रहे थे, तो फिर क्या होगा, आपका बिजनेस और डाउन चला जाएगा, क्योंकि अब वहां पे क्या है, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है। आप बात समझ में आ गई होगी ना। तो कभी कभी आपको ऐसा लग रहा हो यार बिजनेस डाउन चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, और ज्यादा डाउन हो जाते हैं। अच्छा, 4 तारीख है आज, चलो बहुत बढ़िया, तो और बिजनेस डाउन हो जाता है। मैं क्या, थोड़ा सा जब से उर्मिल सर ने कहा ना आगे की सोचो, फ्यूचर की सोचो, फ्यूचर प्लानिंग करो, तो मैं प्लानिंग में एक दिन की आगे की प्लानिंग करके चल रहा हूँ इसलिए मैंने 4 की जगह 5 लिख दी। चलो, तो अब बात आई फोर्स की, तो अभी आपको क्या लग रहा है, आप लिखेंगे 1 या 2 नंबर में से एक चीज लिखेंगे। 1 नंबर वो लिखेंगे जिनको लग रहा है कि मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, 2 नंबर वाले वो लिखेंगे कि यार कुछ डाउनफॉल आ रहा है, कुछ थोड़ी सी समस्या आ रही है। तो आप लिखिए 1 और 2, तो मेरा फिर सीधा मैसेज उनके लिए होगा जिनको 2 है। एक एक वाले तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा है, चलने दीजिए, बहुत बढ़िया है। अभी देखो ये क्यों पूछा मैंने, क्योंकि ये बिजनेस जिग जैग चलता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 2 नंबर की समस्या आ रही है, तो अब 2 नंबर का, 1 नंबर का सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूं। वो क्या है, अब आपको डाउन नहीं होना। गलती हम क्या करते हैं, साथ साथ अपने को डाउन हो जाते हैं, हम बिजनेस के साथ साथ चलते हैं, बिजनेस अच्छा चलता है तो हमें भी एनर्जी आ जाती है, बिजनेस डाउन होता है तो हम भी डाउन हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप पर बिजनेस डिपेंड करता है, ना कि बिजनेस पर आपको डिपेंड होना है। इस लाइन को समझे आप, बिजनेस के हिसाब से आपका चेहरा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे के हिसाब से बिजनेस चलना चाहिए। बिजनेस किस पे डिपेंड करता है, आप पर। अगर आप डाउन हुए तो बिजनेस डाउन होगा, आप एनर्जेटिक हुए तो बिजनेस एनर्जेटिक होगा। और यही रीजन है, जब हम शुरू करते हैं ना तो हमें बहुत एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के कारण से बिजनेस तेजी से चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम काम करना शुरू करते हैं, धीरे 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 उस चीज के आदी हो जाते हैं। मतलब अगर मैंने 6 महीने में आज दाल बनी है, तो मैं जब दाल खाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा, कल जब दोबारा दाल बनेगी थोड़ा कम मजा आएगा, और 15 दिन लगातार दाल बन गई तो 15वें दिन तो वो दाल मेरे को अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उसके आदी हो गए। ऐसे ही बिजनेस में होता है, मैं 10-5 दिन सब लोगों से मिलूंगा तो बड़ी एनर्जी रहती है। इस एनर्जी को बनाने के लिए एक व्यवस्था इस बिजनेस में की गई है, वो क्या है, आज दाल तड़का, आज दाल पनीर, आज विदाउट ओनियन के, आज ओनियन के, उसको हम बोलते हैं मीटिंग।
मीटिंग एंजॉयमेंट के साथ में मीटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस चलेगा नहीं, क्योंकि बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, दाल मखानी, देखो नए नए नाम है, और लिख दो आप सब लोग, है ना। तो उस एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? आपका दिमाग को फ्रेश करने का दुनिया में एक ही तरीका है, इसको आनंद आएगा जब ये फ्रेश होगा। कैसे? 10-5 दिन में कभी अपने डाउनलाइन के साथ, कभी अपने अपलाइन के साथ एक बार डिनर कर लो। अगर अपलाइन डाउनलाइन ना मिले, ऐसे नहीं हो जिनके साथ डिनर किया जा सके, इतना टाइम नहीं हो, या ऐसा लगता हो इनके साथ मैं नहीं कर सकता, तो आपकी वाइफ आपकी डाउनलाइन भी है और अपलाइन भी। अपलाइन समझ के कर लो, डाउनलाइन समझ के कर लो। बच्चों को ले जाओ, दोनों को ले जाओ, तो डाउनलाइन भी साथ है, अपलाइन भी साथ है। क्या होगा? वो जो रिफ्रेशमेंट मिलेगा ना, वो वापस से आपको एनर्जेटिक करेगा। वो जिस कैटेगरी में आप बैठेंगे, वहां जाके लोगों के साथ में जब उनको देखेंगे, तो आपको फील होगा। अगर आपकी गाड़ी उनसे छोटी है, तो आपको ऐसा लगेगा यार मजा आएगा यार जिस दिन ये गाड़ी लेंगे। कंपेयर नहीं, लेकिन क्या होगा यार जब हम ऐसा करेंगे? क्योंकि आसान है, जब आप बड़े बिजनेस, कहीं बिजनेस की मीटिंग चल रही हो ना, वहां जाएंगे ना, तो आपको दिखेंगी सारी गाड़ियां लग्जरी खड़ी, तब लगेगा कि आसान है गाड़ी लेना। लेकिन जब आप अपने माहौल में रहते हैं, तो ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ली है तो कहीं ना कहीं से ली होगी ना, उठाई थोड़ी ना गाड़ी। इसका मतलब क्या है? वो काम आपको हर 15 दिन में, 1 महीने में करना है। आपको लगता है डिनर तो हो गया यार, एक मूवी देख लो। ये सारे फिल्म स्टार किसके लिए हैं? अपन देखेंगे नहीं तो फिर पैसों का क्या? अभी से आदत आपको थोड़ा सा डालनी पड़ेगी एंजॉय करने की। अभी गर्मियों का समय चल रहा है, जैसे हमने 5 तारीख का कल कार्यक्रम बनाया कि हम टीम के साथ वाटर पार्क जा रहे हैं, वहां कुछ करने की मीटिंग वीटिंग नहीं है। वो जो 15-20 दिन में जो दिमाग में चीजें आ गई हैं, होगा नहीं होगा, वो जब एंजॉयमेंट में बदलेगा ना, तो आपको एक अलग सा फोर्स मिलेगा। क्या करते हैं यार, एक दिन नहीं यार, महीने में रोज वाटर पार्क आएंगे यार, क्या बिजनेस है यार, मजा आ गया। और आपकी मार्केटिंग करने का एक ही तरीका है आपके पास में, वो क्या है? आपकी लाइफ स्टाइल। मूवी देखने गए, मूवी का फोटो डाल दिया, डिनर करने गए, डिनर का फोटो डाल दिया, वाटर पार्क गए, वाटर पार्क का। आपको पता है दुनिया मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या करती है? किसी किराना स्टोर पे जाना, वहां पे एक बोर्ड लगा रहता है, रामलाल किराना स्टोर, 1 लाख रुपए का बोर्ड है वो। आप 1 लाख रुपए में 1 साल तक आनंद ले सकते हैं, वो आपके बोर्ड ही है। आपकी मार्केटिंग कौन करेगा कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहा है? हाईवे किंग पे बैठे अच्छे होटल पे पराठे का फोटो डाल दिया कि आज तंदूरी पराठे का मजा लिया। बिजनेस का मतलब प्लान ही नहीं होता है, बिजनेस का मतलब होता है आपकी लाइफ की प्लानिंग में कितना चेंजेज आ रहा है। लोगों को आप कैसे कमा रहे हैं पता नहीं चलता। मेरे को कोई बोले कि मेरी 1 करोड़ की कमाई, अभी मुझे पता ही नहीं चल उसकी लाइफ स्टाइल से इसके पास 1 करोड़ रुपया है। उसकी लाइफ स्टाइल से प्रभावित होते हैं। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं ना, तो बिजनेस की क्वालिटी से नहीं आ रहे हैं आप, किसी की लाइफ चेंजेस देख के आ रहे हैं। आपको लगता है मेरे में कुछ बदलाव होना चाहिए, वो देख के आ रहे हैं। तो लोग क्या देखेंगे? लोग भी यही देखने वाले। तो ये देख के लोगों का माइंड सेट चेंज होता है कि यस, एक अच्छी लाइफ जिंदा वो जी जा सकती है। ठीक है, तो अब वो फोर्स हमें क्यों लगाना है? क्योंकि हमने, मैंने यहां देखा आपने ज्यादातर ने 2 नंबर लिखा, उस 2 नंबर से वापस 1 नंबर में स्मूथ पे आने के लिए फोर्स लगाना है। और ये फोर्स इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के हर बिजनेस में समय समय पर लगाना होता है, क्योंकि फोर्स के बिना आप अगला कदम नहीं बढ़ा सकते। अगर आप वीडियो गेम भी खेल रहे हैं ना, तो अगले ऑप्शन में आपको और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा चीजें चाहिए। ठीक है, हर चीज के अंदर आपको फोर्स लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए आज उस फोर्स को समझते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी। आपके सामने दुनिया का बड़ा मजबूत चीज खड़ी है, हेलीकॉप्टर। कैसे चलता है? जब पंखे घूमते हैं, है ना। इसमें आप में से कौन व्यक्ति मेरे साथ बात करने वाला है 1 मिनट के लिए? जल्दी से रेजेंट करो, और उनको सर जयदेव सर अनम्यूट करना, नाम बोल के। कौन है, कोई चाहता है? चलो विमल जी, विमल जी, यस, आपके सामने ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, इसको उड़ने के लिए क्या करना होगा? सर, इसको उड़ने के लिए फ्यूल एनर्जी के साथ में ऑन करना होगा। हाँ, इसको ऑन करेंगे तो इसके पंखे घूमेंगे, लेकिन मैं कहूं कि ये पंखे आज हम घुमाना स्टार्ट करते हैं 30 की स्पीड पे, और अगले 1 साल तक घुमाते रहते हैं, तो कितने दिन में उड़ जाएगा? नहीं उड़ पाएगा सर। सर आपने कहा पंखा घूमने से उड़ेगा,
स्पीड फोर्स एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी इसको। हाँ तो जिसको भी ये लगता है सिर्फ प्लान देने से बिजनेस चलेगा, नहीं, कैसा इस बिजनेस में, इस हेलीकॉप्टर में, इस हेलीकॉप्टर में एक ही अंतर है, पंखे दोनों के घूम रहे हैं लेकिन जब स्पीड होगी तो उड़ने का संकेत है और जब डाउन होगी तो उतरने का संकेत है। आपके प्लान 2 से 5 हो रहे हैं तो आप उड़ रहे हो, 5 से 2 रहे हैं तो आप जमीन पर उतर रहे हो। चेक कर लो, उतर रहे हो चढ़ रहे हो आप। अगर आप पहले सप्ताह में 1 प्लान करते थे, अब 2 करने लग गए तो आप उड़ान की तरफ हो, लेकिन पहले 2 करते थे अब 1 करने लग गए तो आप वापस जमीन पर आ रहे हो। इसमें हेलीकॉप्टर का कोई रोल नहीं है, पंखों का रोल है। आपका प्लान सक्सेस होता है या नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने काम को बढ़ाया या घटाया। आप सक्सेस रेशियो की मत जाओ कि पहले मैं 10 प्लान देता था 8 सक्सेस होते थे, नहीं, पहले 10 करते थे तो 11 हुए या 8 हुए, और अगर 8 हैं तो जल्दी लैंडिंग हो जाएगी आप, और अगर 8 से 9 कर दिए तो उड़ान की तरफ है, क्योंकि अगर पंखा घूम रहा है और स्पीड बरकरार है तो हेलीकॉप्टर को उड़ना ही पड़ेगा। तो बार बार कहा जाता है ना स्पीड से काम करो, वो स्पीड क्या है, एक बार जमीन से उठ गए ना तो फिर आपको उतनी ताकत नहीं लगानी जितनी उस समय लगाई थी आप, फिर आराम से चलेगा। गुजराती बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो काइट फेस्टिवल बहुत होता है इनके, एक बार हवा में पतंग लग जाती है ना तो फिर आप उसको पत्थर के बांध के चले जाओ, आओगे तब उड़ती हुई मिलेगी। लेकिन भाई साहब जब पतंग नहीं हवा में लगती तब तक तो पता ही नहीं चलता कि पतंग आदमी को उड़ा रही है कि आदमी पतंग को उड़ा रहा है, क्योंकि वो भी नीचे ही ऐसे ही करता है जैसे पतंग करती है, वो पतंग इधर गई तो वो भी ऐसे हो जाएगा, वो पतंग इधर गई तो वो भी ऐसे हो जाएगा। तो अभी बिजनेस भी ऐसे ही है कि नहीं? 2 आदमी आए तो आप भी ऊपर, 2 आदमी नीचे गए तो आप भी नीचे, क्योंकि पतंग हवा में नहीं लगी अभी। तो आपको भी ये चीजें, एजुकेशन क्या है, आपकी लाइफ ही आपको बहुत चीजें सिखाती है। अभी बच्चा कल घर लेट आ रहा था तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, बहुत लेट हो गया, बोले कि साइकिल पंचर हो गई। अभी आदमी पंचर नहीं है, साइकिल पंचर है, लेकिन साइकिल को लाने के चक्कर में उसको भी धीरे ही चलना पड़ रहा है, समझे बात को? तो अगर आपकी 5-7 डाउनलाइन पंचर हो गई है तो उनके चक्कर में आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी, आपकी भी डाउन हो जाएगी। तो जल्दी से उनके पंचर लगवाओ, आप सोचोगे हो जाएगा नहीं, करना पड़ेगा, होता होता कुछ नहीं है, सब करना पड़ता है। 2 ही चीजें अपने आप होती हैं, आदमी गरीब और बीमार, बाकी सब करनी पड़ती है। गरीब करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, अपने आप होता है, बीमार कोई करता थोड़ी ना किसी को, अपने आप होता है, बस बाकी सारे काम जिंदगी में करने पड़ते हैं आप। तो जो सोचता है हो जाएगा वो बीमारी हो जाएगा, बस जो सोचता है अपने आप पैसा आ जाएगा वो समझ लो गरीब हो जाएगा। तो अपने को कुछ ना कुछ करते रहना है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी के हम समझ गए कि पंखे हिलाने नहीं है, मैं प्लान देने गया था, नहीं, पिछला महीने में कितने प्लान हुए आपके पास, अगर लिस्ट है तो भले ही 1 प्लान ज्यादा करो लेकिन पिछला रिकॉर्ड तोड़ो, ठीक है? जरूरी नहीं है वो खुद के प्लान होते हैं, टीम के प्लान हो, आपने 4 मीटिंग करी है तो कोशिश करो 5 मीटिंग अटेंड करें। ऐसा कोई महीना नहीं होना चाहिए कि इस महीने हमारे यहाँ मीटिंग नहीं हुई तो अगले दूसरे स्टेट में जाके अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ना। अगर आपके घर खाना नहीं बना, 1 दिन नहीं बना, 2 दिन नहीं बना, तो भाई कोई कारण था, घर में सिलेंडर नहीं था तो बाहर जाके खाते होगे नहीं, तो थोड़ा बहुत मीटिंग का भी ध्यान रखो। एक आपने देखा होगा है ना, क्या है ये बताओ जरा, थोड़ा नए नए मॉडल डाल दिया मैंने, बाकी है वो ही कुकर ही, क्या है, खाना बनाने का थोड़ा मॉडल नया डाल दिया। जब आपको कोई चीज जल्दी करनी होती है तो आप उस पे लगाते हैं एक्स्ट्रा फोर्स। अगर आपके घर में मेहमान आ गए, खाना जल्दी बनाना है, तो फिर कौन काम करेगा, राइस कुकर, राइस बनाने। तो अब इसका क्या किया, अगर आप चाहते हैं यार बहुत टाइम हो गया यार मुझे बिजनेस में, अब क्या करें यार, अभी 3 महीने में आप चाहो तो सब कुछ चेंजेस कर सकते हो। कैसे, इस कुकर की तरह एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स में बहुत ताकत है। आपको पता है गाड़ी के अंदर एक मोड आता है स्पोर्ट, आप उसको चला के देखें तो गाड़ी क्या होती है, एकदम से पिकअप लेती है, गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है, आवाज भी बदल जाती है, दौड़ने का तरीका भी बदल जाता है, पिकअप भी बदल जाता है। इस सब चीजों में आप सोचो, हर क्वालिटी के अंदर जब बेहतरीन की जाती है किसी क्वालिटी को तो उसमें एक्स्ट्रा फोर्स डाला जाता है। क्या आप में समय समय पे वो स्पोर्ट मोड है क्या आप में?
या सिटी मोड पे ही चल रहे हैं रुक रुक के। आपको भी अपने फोर्स बदलने पड़ेंगे। आप सोचो, गाड़ियां आदमी से बेहतर हो रही हैं। जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो 100 लोग जाते हैं तो 2 लोगों को चुना जाता है, नहीं 98 कोई काम के नहीं है। आप सोच के देखो, चप्पलें बेहतरीन हो रही हैं, जूते बेहतरीन हो रहे हैं, कपड़ों की क्वालिटी बदल दी गई है, एक एक चीज में बदलाव कर दिया गया है। आप सोच के देखो कि 10 साल में अपने में बदलाव क्या हुआ। और जब बदलाव इतनी चीजों में हो गया, इसी कारण से हम उन चीजों से पीछे हो गए। आज वो मोबाइल जिसमें हजारों फीचर्स हैं, हमें मोबाइल के फीचर्स नहीं पता, गाड़ियों के फीचर्स नहीं पता, 2-2 साल में पता चलता है गाड़ियों के फीचर्स आदमी को। तो ऐसे ही हम अपने आप में बदलाव नहीं कर रहे। तो कीमत किन की गिरती है जिनमें बदलाव नहीं होता। कपड़े, शर्ट 200 रुपए की आती आती 3,000 की शर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि बदलाव कर दिया। वही फॉर्च्यूनर गाड़ी जो 20-25 लाख की आती थी, अभी 50 लाख की आती। टायर उतने ही थे, पहले भी 4 ही थे, अभी भी 4 ही टायर है। पहले भी पेट्रोल डीजल से ही चलती थी, अभी पेट्रोल डीजल से ही चलती है। पहले भी ड्राइवर ही चलाता था, अब भी ड्राइवर ही चलाता है। अंतर क्या हुआ? कुछ चीजें ऐसी बदली जो आपको दिखाई नहीं दे रही, फिर भी वो गाड़ी पहले से ज्यादा बिकती। आप में क्या हुआ? कंपनी बदलने से लाइफ नहीं बदलती, प्रोडक्ट बदलने से लाइफ नहीं बदलती। किसके बदलने से बदलती है? और बदलाव होगा कहाँ? वहां जहां आप जाते नहीं, जहां कोई आता जाता नहीं, है ना? सॉन्ग सुना है आपने? उसको बोलते हैं मीटिंग। ये मीटिंग एक दिन आपको डाकू से कालिदास बना सकती है, क्योंकि कब किसको क्या बात लग जाए पता नहीं है भाई। सब बातों का खेल सारा शब्दों का ही है। जिस दिन आपको वो शब्द पता चल गया ना, जिससे लाइफ बदलती है, उसी दिन खेल हो जाएगा। लेकिन आपको पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप तुक्का लगाने के लिए जाते हैं, क्या पता पता चल जाए। क्या हम अपने सपने पूरा करना चाहते हैं? देखो, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा यहाँ पे, और तीनों में आपको 1, 2, 3 लिखना है। पहला में एक लिखना है, एक नंबर पूछू तो एक लिखने का मतलब आप उससे एग्री हैं, और अगर एक के आगे एन लिख देंगे तो एग्री नहीं है। क्या हम दुनिया में किसी से भी ये पूछें, क्या भाई साहब आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, तो क्या जवाब देता है? 1Y, 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 1Y का मतलब यस हो गया या फिर यस हो गया, ओके ठीक है, मैं समझ सकता हूं। दूसरा, इसके लिए आपको किसी ना किसी बिजनेस का चुनाव तो करना होगा। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, जहां आप बात करते करते उसको अपने बिल्कुल कहते हैं ना कि सही जगह पे लेके चले जाएं। इसके लिए आपको किसी ना किसी बिजनेस का चुनाव तो करना होगा। हाँ भाई साहब, ये बात तो पक्की है। आप किसी भी बिजनेस को करने के लिए भाई साहब 3 चीजें तो आवश्यक हैं, समय, पैसा, अनुभव। बिल्कुल सही है सर आपकी बात। किसी भी काम में सफल होने के 2 ही रास्ते हैं, एक जो आप सोचते हैं, दूसरा जो सफल लोग बताते हैं। अब मैं तीनों चीजें आपको बताता हूं एक एक करके। जब हम किसी से भी बातचीत करते हैं तो पहला सवाल ये होना, आप बातों बातों से या बात से डायरेक्टली पूछ के, जैसे आप पूछते हैं घर पे आने वाले मेहमान को ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, इससे आपकी मेहनत बच जाती है। अब आपने मेहनत भी करी चाय बनाने में, और जैसे ही चाय पहुंची वो कहता है अरे सर मैं तो चाय पीता नहीं, ठंडा तो अभी भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन टाइम किस में खराब हो गया? चाय बनाने। डायरेक्टली पूछ सकते हैं, सर आप एक्स्ट्रा इनकम करने में रुचि रखते हैं क्या? एक्स्ट्रा पैसा कमाने में रुचि रखते हैं क्या? सर, बातों बातों में जैसा आदमी है वैसा सवाल कर सकते हैं। यार घर को थोड़ा और मेंटेन करते हैं, एक गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था करो ना यार, बात करके। तो वहां से शुरू होती है वो बात। हाँ सोच रहे हैं, हाँ प्लानिंग कर रहे हैं, वहां बोलते हैं अगला सवाल होता है आपका। प्लानिंग करने के लिए कुछ तो करना होगा ना। हाँ ये अभी आजकल ऐसा ऐसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं कुछ कर लूं, मैं स्कूल में टीचर बन जाऊं या ऐसा। तो आपको वहां से बातों को लेके आना है कि इनकी खिचड़ी पक भी रही है कि नहीं। आप तड़का लगाने के लिए तैयार हैं, खिचड़ी तैयार ही नहीं है। आग, मैं कहता हूं चिंगारी बहुत जरूरी है फूंक मारने के लिए। तो इतना आपको पता करना है। और मैं आज आपको एक बेसिक चीज बताने जा रहा हूं, एक लिस्ट बनाने का। बहुत सारे तरीके आपने सीखे, मैं एक नई तरीके की बात बताता हूं आज। आप ध्यान से सुनना, वो मैं अभी इस पोर्शन में भी आएगा। आपको क्या करना है, सारे नाम आपने लिख लिए, वो आपके फ्रेंड्स के हिसाब से लिखे, वो जो तरीके होते हैं ना FRNDS, वो कैसे भी लिख लो आप। उसमें 2 कॉलम आपको और बनाने। पहला,
मीटिंग टाइम, लास्ट कितने बार समय पहले मिले थे आप उनसे, आप देखना 100 लोगों की लिस्ट में 50 लोग ऐसे होंगे जिनमें आपको ये लिखना पड़ेगा 6 महीने पहले कम से कम, और 25-30 तो ऐसे होंगे जिनको साल भर लिखेंगे, 10-5 ऐसे होंगे जिनसे 5-5 साल बाद आप मिलेंगे। मैं बात नहीं करने की बात नहीं कर रहा, क्यों लिखा आपने। अब आप अंदाजा लगाइए कि पहली बार में आप उनको प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो कैसा लगेगा। ठीक वैसा ही लगेगा जब आपके डोर पे कोई आके कहता है घंटी बजा के, मैं ये चीज बेचने के लिए आया हूं, क्या आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप वहां क्या कहते हैं, मैक्सिमम ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपको बहुत पहले से जानता है और वो कई दिनों बाद आ रहा है, तो आप पानी भी पूछते हैं, बैठते भी हैं, फिर वो बताता है, तो आप उसका मन रखने के लिए कहते हैं चलो 1 किलो कर दो। क्यों? क्योंकि आप उनको जानते हैं, आपको उन पे विश्वास है। तो पहली जो जब ये लिख लेंगे तो आपको प्लान देने से पहले का और मिलने का गैप कम से कम 1 महीने का रखना है। तो अगर आज आप मिले हैं तो प्लान 1 महीने के अंदर दें, 1 महीना ज्यादा हो गया तो प्लान नहीं देना, फिर दूसरी मीटिंग करनी है, और पहली मीटिंग में सिवाय चाय पीने के आपको दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी। क्योंकि पहली मीटिंग किस लिए थी कि प्लान दूं या न दूं ये आपको तय करना है। प्लान देने के बाद ना नहीं सुनने का मतलब ना तो वो वाला ना नहीं है, मतलब डायरेक्टली आपको वो बात नहीं करनी जिससे 100% ना के चांसेस हो। क्या बोलना है आपको, ये बातचीत करी और वो आपसे अगले सवाल में जरूर पूछने वाली है, काफी दिनों में मिले हो आप, क्या कर रहे हो आजकल, और आपको यही बोलना है आज तो मैं इधर से निकल रहा था, निकल रही थी तो सोचा चाय पीते हुए चलते हैं, काफी दिन हो गए, फिर कभी आती हूँ आता हूँ फिर आप पे चर्चा करें। तो आपने बात को वहीं छोड़ा कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, अभी उसको तैयारी है कि वो पूछना चाहती है नेक्स्ट मीटिंग में, तो बताओ ना वो क्यों मारा, तब आपकी वहीं से बात शुरू। अगर आपको लगता है इस स्थिति में एपिसोड खत्म नहीं हुआ, कुछ नहीं करना, एक चाय एक्स्ट्रा पीनी, एपिसोड वहीं खत्म करेंगे, कहां पे कि आजकल आप क्या कर रहे हो, बस। अब वहां जाएंगे तो 2 मीटिंग में आपको 2 चीजें तय हो जाएंगी। पहला, आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि घर देख के बातों से सुन के आपको आइडिया लग जाता है, इतना इतने हम बेवकूफ नहीं है, और इतना तो आप फोन पे भी आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन मैं तो घर की बात कर रहा हूं। सेकंड, घर में कोई तबियत खराब तो नहीं है, पर्सनली उसको जब वो आपके साथ बैठते हैं बैठती हैं तो उनको क्या समस्याएं, वो जरूर आपसे चर्चा करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कितना भी आपसे कम जानकारी का व्यक्ति हो, 2 मीटिंग में वो आपको बात बता देगा, क्या कि मैं एक्चुअल में चाहता तो हूं कुछ करना, मैं ऐसे कर रहा था, मेरी जॉब छूट गई, मैं अमेजोन में कुछ सामान बेचता था, अभी मैंने वो काम बंद कर दिया है क्योंकि वहां बहुत लॉस हो रहा था, कुछ ना कुछ बोलेगा, मैं प्राइवेट टीचर थी अभी मैंने छोड़ दिया, मैं प्राइवेट टीचर था अभी मैंने काम छोड़ दिया है, नई गाड़ी ली है, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीट दे सकते हैं अपन उसको, अपने को तो दिख रहा है ना वहां पे नई गाड़ी ली है। तो यहां से आपका 2 मीटिंग में ये पता चलेगा कि ये सी है या डी है, मतलब कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। अब जब आप मीटिंग में जाएंगे फिर प्लान करेंगे तो आपके पास 100% आपका प्लान जो है परफेक्ट तरीके से जाएगा, क्योंकि आपको उसी बात पे ज्यादा फोकस करना है जो बात आप समझ गया। आ गया समझ में? हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने से मिले नहीं, अपने से बेटर और भी वो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, हम प्लान देने जाते हैं वो हमको प्लान दे देता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, हम मैट्रेस के लिए बोलते हैं, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि अगर इससे बात करूंगा तो ये मैट्रेस देख के रहेगा, भाई जो चाय नहीं पीता उसको दे, चाय के लिए फोर्स करोगे तो क्या पिएगा, नहीं। लेकिन हमें पता चल गया कि ये नींबू पानी पीता है तो वो भी तैयार और आप भी तैयार, दोनों चीजें तैयार हैं तो ज्यादा बेटर है ना। अब आप कहोगे हम तो साहब प्यार से पिला रहे थे, अरे आप तो प्यार से पिला रहे हो लेकिन उन्होंने तो कसम खा रखी है नहीं पीने की, तो उनका भी ध्यान आपको रखना है। ये एक लिस्ट में आपको ये करना है, और आप चेक करके देखना, और जब आप लिस्टें बनाओगे कि आर्थिक स्थिति कैसी है आपके हिसाब से, तो आप लिखोगे 50,000 के आसपास, या खुद तय करके देखोगे तो आपको मैक्सिमम लोग वो मिलेंगे जिनको बिजनेस प्लान की आवश्यकता है। और मेरा अगला क्वेश्चन आपसे एक और रहेगा कि स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा काम करता है या बीमार व्यक्ति। हेल्दी एच लिख दो, अनहेल्दी एन यू लिख दो, अनहेल्दी का यू। आपको क्या लगता है ज्यादा काम कौन करेगा? अब आप फिर सोच के देखो कि जब ज्यादा काम करने वाला हेल्दी है
और ढूंढ किसको रहे हैं, अनहेल्दी को, तो ज्यादा काम होगा कम काम होगा? अब अगली बात बता देता हूं, आप सुनना। जितना लोग अनहेल्दी लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में पैसा खर्चा नहीं करते, उससे ज्यादा हेल्दी लोग हेल्दी रहने में पैसा खर्चा करते हैं। अनहेल्दी लोग मजबूरी में पैसा खर्चा करते हैं, मैं आपको बताऊं। हेल्दी लोग इच्छा से पैसा खर्चा करते हैं, एक्साइटेड होके पैसा खर्चा करते हैं, एनर्जेटिक होके पैसा खर्चा करते हैं, खुद का मन बना के पैसा खर्चा करते हैं। अब जो आदमी मजबूरी में खर्च कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता है। जो आदमी को 10 टैबलेट लिखी गई, 4 लेके आता है मेडिकल स्टोर से और उसमें से 3 ही लेता है, कितना मुश्किल होगा। लेकिन जो आदमी रोज अपने जूस पीने में, अनार का जूस पीने में 100 रुपए खर्चा कर देता है, कितना आसान होगा बात कर। बस बात एक ही है, वो ये समझना चाहता है अनहेल्दी कि मैं ठीक कैसे हूं, और स्वस्थ आदमी ये समझना चाहता है कि पैसा कैसे कमाऊं। क्योंकि बीमार आदमी का फोकस कभी पैसे पे हो ही नहीं सकता, वो बीमारी पे ही फोकस रहेगा। और जब बात आपके दिमाग में ये आती है ना कि वो कह रहा है कि अगर मेरा बीपी ठीक हो गया तो मैं लाइन लगा दूंगा, तो मैं आपको बताऊं, बीपी तो उसका ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लाइन लगाने के लिए जब वो किसी से बात करेगा तो उसके सामने भी यही सवाल आएगा, मुझे आइडिया नहीं है, मैं प्रोडक्ट को नहीं समझता, ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है। और वो जानता नहीं है, वो सिर्फ इतना जानता है कि मैं जब इस पे सोता हूं तो मेरा बीपी ठीक रहता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उसको 50 लोगों ने ये कह दिया कि ये फालतू की चीज है, तो उसका बीपी घटेगा बढ़ेगा? तो आपने तो उसके साथ में डबल चोट कर दी, उसको बोला प्लान दे, प्लान सक्सेस हो नहीं रहा तो बीपी बढ़ जाएगा उसका। तो आपको क्या है, इस प्रोडक्ट को एक्चुअल में बनाया गया था हेल्दी लोग हेल्दी रहे और बीमार लोग हेल्दी हो जाएं यूज करें। तो आपको दो चीजें प्रमोट करनी है कि 8,890, मैं एक मीडियम साइज के प्रोडक्ट को लेके चलता हूं, 8,890 8 करोड़ में कैसे बदले। और अगर ये मैं कह रहा हूं ये झूठ भी निकला, तो 8,890 से लाखों रुपए कैसे आएंगे ये मैं सिद्ध कर सकता हूं। वो कहेगा काम करने से करोड़ों रुपए कैसे आते हैं, वो प्लान होता है, और कुछ भी नहीं करने से लाखों रुपए कैसे आते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट में दम है। और ऐसी चीज जब मिलती है, जब उसको दिखता है लॉस कुछ भी नहीं है, तो डिसीजन लेना उसके लिए आसान हो जाता है। क्या कि सर इस प्रोडक्ट में क्या है 8,800 में, ये कैसे लाखों रुपए बचाएगा, प्रोडक्ट के बारे में आप उसको बताओ कि देखिए सर घर में कोई भी यूज कर सकता है, सब हेल्दी है, बहुत बढ़िया बात है सर, फिर तो आपको 4 प्रोडक्ट लेने चाहिए। मम्मी को थोड़ी तकलीफ है तो सर और भी बढ़िया काम हो गया, मम्मी के लिए तो कम से कम 100% काम आने वाला है, आपको तो चलो हेल्दी रहना था लेकिन वहां तो एक चीज दवाइयों का खर्चा बचने वाला है और उनको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तब आपका शुरू होता है बचत के रूप में, प्रोडक्ट शुरू होता है, फायदा हमेशा बिजनेस से ही होगा, ठीक है? यानी आपको जब प्रोडक्ट दिया तो उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कहीं ले लूं और काम ना सफल हूं तो नुकसान ना हो जाए, वो अपन ने क्लियर किया। और आपको बताऊं ये हमारे ही प्रोडक्ट में है, ऐसा कोई दुनिया में ही प्रोडक्ट नहीं है। ये मेरे को कैसे समझ में आई पता है, मैंने अभी गाड़ी पे जो लोन था थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा सर लोन का इंश्योरेंस करवा लो। मैं कहा यार गाड़ी का हो गया, मेरा हो गया, अब लोन का इंश्योरेंस क्यों? तो उन्होंने कहा कल को आपको कुछ हो जाए तो घर तो पैसा मिल जाएगा लेकिन लोन चुकाना पड़ेगा, तो पैसा तो लोन में चला जाएगा। तो मैंने कहा लोन का इंश्योरेंस? बोले अगर आपको कुछ हुआ तो ये लोन ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कंपनी चुका देगी। और मैंने कहा भाई नुकसान ये है कि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो तो मैं भी तो ये देखूं कि मेरा 10,000 जा कर रहा है। तो उसने कहा सर 10-10 करके इतने दिन का ये टोटल जो पैसा होगा ये रिटर्न मिल जाएगा। तो मुझे क्या दिखा कि पैसा बैंक में ही पड़ा है, मेरे पास है या उनके पास है, एक सिक्योरिटी और है उसके साथ। और मैंने कहा बैंक में तो इंटरेस्ट भी मिलता है, तो उन्होंने कहा अगर 2,000 रुपए किस्त एक्स्ट्रा कर दो तो आपका 8% इसमें आपको अलग से भी मिल जाए। अब ठीक ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट है कि भाई साहब काम करोगे तो करोड़ों रुपए आ जाएंगे, नहीं करोगे तो लाखों रुपए बच जाएंगे, आपका 8,800 का नुकसान थोड़ी ना हुआ है।
सेहत बचा ली वो अलग है, और आज से 10 साल बाद ये प्रोडक्ट 80,000 रुपए से कम का नहीं होगा, आपको 8 में ही मिल रहा है, वही गद्दा आज है, वही गद्दा 10 साल बाद है। दूसरा, आपके बीच का जो जो आपको बीमारियां हो सकती थी उनसे बच गए, जो दवाइयां चल रही थी उनसे बच गए, और आपको क्या चाहिए इस प्रोडक्ट से, तो ये हो गई आपकी बचत। तो जरूरी थोड़ी ना कि बीमार हो तो ही आपका मैट्रेस काम आए, और ऐसे ही जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही इंश्योरेंस काम आए, पैसा तो 8% ब्याज दे ही रहे ना। ये मेरे को उस दिन बात समझ में आई कि मैंने कहा इस मामले में भी हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, वहां तो मुझे फिर भी किस्तें भरनी है बार बार, या तो एक ही किस्त लग रही है। तो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट आप कर सकते हैं, बिजनेस बहुत अलग चीज है। मैं वहां इंश्योरेंस से कुछ नहीं कमा सकता, लेकिन यहां इस प्रोडक्ट से मैं कमा सकता, तो आप फिर बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं, अब चाहें तो आप बिजनेस सीख सकते हैं। आ गया यहां तक का काम? चलो, अब सफल होने के दो रास्ते हैं। एक, जो आपके दिमाग में चल रहा है ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगा, वो आदमी बीमार है उसको दे देंगे, और दूसरा जो सफल हो गए उन्होंने बताया। तो सर, अगर आप जल्दी सफलता चाहते हैं तो फिर एक ही तरीका है कि जो सफल लोग हैं उनका हम एक फॉलो करें, उनके पीछे चलें, और ये आप लोगों के लिए मैसेज है, उनके लिए बाद में। आपको उस तरीके से नहीं करना है कि मैं चाहूं जैसे कर लूं वो। मैंने कल एक छोटा सा टॉपिक था हमारा मीटिंग में, आज हम सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर कमी है ना वो है भ्रम की, भ्रमित है हम लोग। मान लीजिए मैं जिस तरफ बैठा हूं, जैसे सामने स्क्रीन के इस तरफ मान लीजिए अहमदाबाद है, अब मैं कैसे भी चलूं, धीरे चलूं, जल्दी चलूं, भग के चलूं, लेट लेट के चलूं, एक दिन रुक के चलूं, चलता ही रहूं, बताओ एक दिन अहमदाबाद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, मैं जा खड़ा हूं उधर, अहमदाबाद किधर है, और मेरे हाथ पकड़ के किसी ने वो घुमा दिया और मेरे को बोल दिया इधर है, दूसरी तरफ पीछे। अब मैं कितनी भी तेज चलूं, क्या अहमदाबाद कभी आएगा? आप इस बिजनेस में भ्रम में चल रहे हो कि एक दिन मंजिल आएगी, आएगी तब जब सही दिशा होगी, और दिशा सही वही होगी जो उस दिशा में गया है। कम से कम उनकी दिशा को फॉलो करो। काम करने से पैसा नहीं आता, सही काम करने से पैसा आता है। प्लम्बर आता है, नल जो आपका पाइप था उसको तोड़ देता है, कहता है मैंने मेरा काम कर दिया, आप पैसा देंगे क्या? वो बोलता है मैंने मेहनत तो करी है ना। और कई बार आपके घर ऐसा हुआ होगा, वो आता है, वो जो काम किया उसने आधे घंटे तक किया, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, वो चाहे पंखे की हो चाहे नल की हो, फिर वो कहता है मेरी मजदूरी, फिर आप कहते हो भैया ये तो वो का वही है, ये तो सही नहीं हुआ। वो कहता है नहीं, मैं तो आया हूं, मैंने तो किया ही है ना। तो आप कहते हो नहीं, काम तो हुआ ही नहीं। काम का पैसा नहीं देते लोग, सही काम का पैसा देते। तो सिर्फ चलने से कुछ नहीं होगा, सही दिशा में, और दिशा कौन बताएगा? ये था मेरा पर्पस की मीटिंग और सेमिनार में वो लोग आते हैं जिनको इसके बारे में पता है। तो सिर्फ वो दिशा सही कर दें तो फिर आप बैठे बैठे चलो, एक टांग से चलो, कैसे भी चलो, एक दिन अहमदाबाद आ जाएगा। लेकिन कितना भी दौड़ लो, दिशा गलत हुई तो फिर आप उस दूरी से दूर ही जा रहे हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा मैंने बहुत मेहनत कर दी है, मेरा बिजनेस और डाउन चला गया, क्योंकि मेहनत का फर्क नहीं था, दिशा का फर्क। तो भ्रम में नहीं करना, आपको काम करना है, सही ढंग से करना है, और भ्रम तोड़ने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता हो। सिर्फ निर्णय लेने से सफल हो जाएंगे क्या? नहीं, सही निर्णय मतलब सही दिशा। सबसे पहले सही दिशा का निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि मैं जिस बिजनेस को कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, मैं जिस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। बार बार आपको दिमाग में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। दूसरा है, जल्दी सफलता का मतलब है एजुकेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बिजनेस में जल्दी से सफल हो जाऊं तो फिर आपको एजुकेशन के साथ रहना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये तीन चीजें आपको दिखाऊंगा, तीनों चीजों में एक भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि उसने ना कर दिया हाँ कर दिया। और जो तीसरी चीज है, ज्यादा सफलता, अगर ज्यादा सफलता चाहिए तो ज्यादा काम। अब देखना, बात को समझना आप, मैं तीनों चीज दिखाता हूं आपको। सही निर्णय यानी इस बिजनेस का निर्णय किसको लेना होता है? क्या आप 50 आदमी इकट्ठे करके पूछते हैं कि आधों ने मना कर दिया आधों ने हाँ कर दिया? आप किससे पूछते हैं? अपने आप से, कि मुझे करना है कि नहीं।
आप 2 दिन में निर्णय ले, 100 दिन में ले, लेकिन जब भी ले तो एक बार निर्णय ले। ले लिया आपने निर्णय, अब आते सेकंड चीज एजुकेशन से। तो एजुकेशन में कितने लोग चाहिए आपको साथ में, आपको सीखना है कितने लोगों की आवश्यकता है, आपको वो सारे तरीके ढूंढने हैं कौन से जिससे सीखा जाता है। यूट्यूब मिली, यूट्यूब से सीख लिया, आप बस में जा रहे हैं आपने गूगल चला लिया, यूट्यूब चला लिया, सीख लिया, सागर सर को सुन लिया। बिजनेस प्रोडक्ट सीखना है सागर सर को पकड़ लो, बिजनेस सीखना है जो और सीनियर है उनको पकड़ो, उनके सुनो। और मार्केट में इतने सारे वो ट्रेनर हैं जिनकी फीस 1-1 लाख रुपए के घंटे की, वो आपको फ्री में मिल रहे हैं। और आपको लगता है कि दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी मैं हूं जो सीखूंगा तो भी नहीं सीख पाऊंगा, ऐसा भी लगता होगा कभी कभी कि क्या फायदा जब मैं सीख ही नहीं पाऊं। तो एक बार कोशिश करके देखो, सीख जाओगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया में, आप किसी भी चीज की कोशिश करो वो हो नहीं, आप करो कोशिश, सब कुछ सीख सकते हो आप। तो अब आपने सीख लिया, अब जब सीखने से जल्दी सफलता मिलेगी, अब ज्यादा सफलता कब मिलेगी, वो काम करने से मिलेगी। अंतर क्या हुआ तीनों चीजों में, मैंने एक सही गाड़ी का चुनाव किया जो अच्छी सड़क पे तेज दौड़ सकती है, तो जिसकी स्पीड 150-200 तक है मान लो चलने में, इससे ज्यादा तो फिर नुकसान हो जाता है। अब आपने चुनाव तो कर लिया लेकिन आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, तो वो गाड़ी 200 की स्पीड की हो 150 की हो चलेगी नहीं। अब आपने एजुकेशन ली तो गाड़ी चलानी आ गई, तभी आप उसको 150 पे कंट्रोल कर पाओगे। अब ज्यादा करनी है तो गाड़ी को लंबे समय तक चलानी है, ज्यादा दूर जाना है, तो अब तीन चीजें हो गई, सही निर्णय, सही एजुकेशन और ज्यादा काम। अब हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत नॉलेज है, लेकिन आप चेक करके देखो जितना काम करना चाहिए उतना काम हो रहा है नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो रीजन क्या है, नॉलेज तभी तो काम करेगी, गाड़ी तो चलानी आती है लेकिन चला नहीं रहे। तो तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो विस्फोट होगा, और विस्फोट बनते ही छोटा सिक्का डायमंड बन के निकल जाएगा। सही है ना? यस। तो लास्ट स्लाइड की तरफ, हमें पैसा, समय, अनुभव, तीन चीजें बिजनेस के लिए चाहिए। आपके पास पैसा ज्यादा है तो पैसा का ज्यादा उपयोग करिए, समय ज्यादा है तो समय का ज्यादा उपयोग करिए, अनुभव ज्यादा है तो हमें अनुभव का उपयोग करिए। लेकिन आप बताइए, अगर हम मार्केट में 100 लोगों को मिलते हैं तो 70 लोगों की, मैं मानता हूं, पैसा, समय और अनुभव तीनों ही प्रॉब्लम होती है। आपका क्या मानना है, 100 में से कितने लोगों की ये प्रॉब्लम होती होगी, तीनों ही चीजें कम है जिसके पास, बताओ जरा। 100 में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी तीनों प्रॉब्लम है? आपको ज्यादा लगता है तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम लगता है तो कम भी लिख सकते हैं। 80%, 75, 90%, 95%, मजा आ गया आप लोगों को तो। सब एक बार आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनके पास में सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यही बिजनेस है जिसमें पैसा कम, समय कम और कम अनुभव से काम चल सकता है। और जब 90% लोग ऐसे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, आज नहीं तो कल वो आपके साथ ही होंगे। पैसा अपनी मार्केटिंग में और सीखने में खर्चा करिए खुद के ऊपर। देखियो अभी अब तक आपको क्या लग रहा था, मैंने बिजनेस में बहुत खर्चा कर दिया, बिजनेस में खर्चा नहीं करना, पैसा अपनी मार्केटिंग पे करिए। आज जैसे हम कल जा रहे हैं वाटर पार्क, तो मैंने मेरे ऊपर खर्चा किया, मुझे मुझे मजा करना है, मैं चला गया, मैंने बढ़िया वहां पे खाना खाया, मैंने अपने ऊपर खर्चा किया। सीखने में खर्चा, मैं ट्रेनिंग में गया तो किसने सीखा, मैंने सीखा यार। आपको पता है 300-400 रुपए में मूवी की टिकट आती है, 3 घंटा हम उसको देखते हैं, फिर भी क्यों देखते हैं 300 रुपया देके, क्योंकि हमारे माइंड को रिलैक्स मिले। तो ट्रेनिंग क्या होती है, माइंड को आपको एक्सपर्ट एक तरीके से कहते हैं, सिखाने में काम आती है, ट्रेंड करने में काम आती है। दूसरा है समय, समय अपने आप को डेवलप करने में खर्चा करो। अब आप कहते हो यार मीटिंग में मेरा 2 घंटे खराब हो गया, मुझे बताइए क्या मीटिंग में 2 घंटे खराब होते हैं, कभी हो सकते हैं? यही तो माइंडसेट होता है कि मीटिंग में समय खराब हुआ है या मीटिंग में समय का उपयोग हुआ है, वो पता ही नहीं चलेगा आपको कब आप उसके अंदर तैयार होकर निकल गए। तीसरी चीज है, अच्छे अनुभव से जल्दी और लंबी सफलता मिलती है, और कम समय में, कम पैसे में, बिना अनुभव के एक ही काम दुनिया में अवेलेबल है फिलहाल अभी, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब बताओ, जब समस्या आदमी की ये है कि पैसा भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है और समय भी नहीं है,
तो उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा? तो हम उसकी उस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, कौन सी, जो बिजनेस करने में, जो इनकम करने में उसका रोड़ा बनी हुई है। अब किसी की ये समस्या ही नहीं है, पैसा भी बहुत है, अनुभव भी बहुत है, समय भी बहुत है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सब हमारे साथ। अब मान लो जयदेव सर को कहीं शर्ट लेने के लिए गए, एक शर्ट बहुत अच्छी लग गई और ये कहता वाह यार मजा आ गया बहुत अच्छी रेट में। अब वो इनको बोले कि सर बिजनेस भी कर लो मेरे साथ क्योंकि अच्छी शर्ट है अच्छी रेट में, तो क्या जयदेव सर बिजनेस करेंगे? आप क्या कहते हो, मैट्रिक्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं? बोले हाँ हाँ बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो यार बिजनेस शुरू करो बाप। कल को राइस ब्रांड खाओगे फिर राइस ब्रांड अच्छा लगेगा, फिर आप कहोगे बिजनेस शुरू करो, तो वो कहेगा पता है क्या, लोग डरने लग गए इस चीज से कि मैंने प्रोडक्ट लिया मेरे को रिजल्ट आए मैंने हाँ बोली तो ये बिजनेस के लिए मेरे पीछे पड़ जाएगा। अगर वो दुकानदार हर बार इनको बोले सर शर्ट कैसी निकली मस्त थी आ जाओ ना बिजनेस करें, सर दो चार लोग तो भेजो, सर दो चार जयदेव सर उस दुकान पे जाना बंद कर दें। ये मेंटेलिटी होती है कस्टमर मेंटेलिटी, कस्टमर अपना प्रोडक्ट लेके खुश है, आपको अप्रोच नहीं करना, आपको सिर्फ इतना बताना था जयदेव सर को वो बोलता कि सर अगर कोई व्यक्ति कपड़ों के बिजनेस को करना चाहता हो कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे से मिलाइएगा, तो सर क्या बोलते, यस बिल्कुल लेकिन आप आ जाओ सर क्योंकि आपको शर्ट अच्छी लगी। आप कस्टमर को बोलो आपको फायदा मिला है, अगर आप जैसी समस्या किसी को भी हो तो मेरे से मिलाइएगा, अब उसको दिमाग में आएगा कि ये क्यों मिलना चाहता है, तब वो बोलता है मुझे क्या मिलेगा। प्रॉपर्टी वाले क्या कहते हैं, सर कोई प्लॉट लेने वाला हो तो जरा बताइएगा, वो नहीं कहता आप बिजनेस करो मेरे साथ, फिर वो कहता है सर मुझे क्या मिलेगा। यहां होता है खेल शुरू, जिसकी इच्छा ही नहीं है लेने की आप कैसे देंगे उसको, सवाल सवाल में बड़ा अंतर है। आपने सारे कस्टमर, फिर वो कस्टमर पता है अपना तो वो एक सिस्टम और है, पहले वो आपको बोलता है रिजल्ट आए रिजल्ट आए, फिर आप उसको कहते हो चलो हमारे साथ शेयर करने चलो चलो हमारे वीडियो बना के दो चलो हमें ऐसा करके दो आपको बिजनेस करना चाहिए, तो वो क्या कहता है फिर ऐसे बच नहीं सकता, वो क्या कहता है अभी बीपी वापस से मेरा बिगड़ने लग गया है, वो उसके पास एक ही तरीका है। अब आप सोचते हो इसको क्या लेके जाऊं फिर आप कहते हो अभी 6 महीने आप ठीक करो फिर दोबारा बात करते हैं, आप उसको भी तरीका मिल गया आपको भी मिल गया, उसका बीपी ठीक ही रहने दो। ज्यादा कारण है मैट्रेस ठीक करता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर खराब कर देता है ज्यादातर समस्या। तो ये 3 चीज आ गई, अच्छा अनुभव, बार बार मीटिंग में जाओगे अनुभव अच्छा होगा, अनुभव अच्छा होगा तो लंबी सफलता कर सकते हैं आप, है ना। पैसा कौन बड़ा कमा सकता है, वो कमा सकता है जिसका नेटवर्क होगा। नेटवर्क बनाने के मार्केट में 3 4 तरीके हैं, जैसे ओला फोन पे जियो ओयो ये सब ने पैसा लगाया मार्केट में, रेफरल मार्केटिंग करी और इनका आज नेटवर्क बन गया, और आज इन्होंने वापस से वो रेफरल सिस्टम हटा दिया, मतलब इन्होंने पैसा लगा के नेटवर्क बनाया। आपके पास भी ई बायटोरियम एक नेटवर्क बनाने का तरीका है, अगर पैसा चाहते हो तो नेटवर्क बनाओ, नेट प्लस वर्क बराबर मनी। ये क्यों लिखा है, एक आईडी लेफ्ट में एक आईडी राइट में आएगी बिल्कुल फैमिली बोनस बनेगा लेकिन नेटवर्क नहीं बनेगा। आप आईडी से पैसा चाहते हैं या नेटवर्क से पैसा चाहते हैं ये आपको तय करना है। जब आप एक आईडी लगाते हैं पैसा नहीं आता है तो नेटवर्क बनता है, लेकिन जब दोनों साथ लगाते हैं तो फैमिली बोनस बनता है, तो फैमिली बोनस चाहिए या नेटवर्क? नेटवर्क इंडस्ट्री में आके भी नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो कौन सी इंडस्ट्री में बनाएंगे, फ्री में नेटवर्क बनाने का मौका मिला है। आप जब आप आंख बंद करके बिना पैसे की तरफ विचार करके लगातार आईडी लगाते हैं तो नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क से जब पैसा बनता है तो उसको कोई खत्म नहीं कर सकता उस पैसे को, लेकिन जब आप सेटवर्क से पैसा बनाते हैं तो पैसा खत्म हो जाता है। ये आईडी आएगी 4 दिन रोका 5 दिन बाद ये आएगी, तो 9 दिन में फैमिली बोनस जरूर आया लेकिन 9 दिन में नेटवर्क खत्म, तो सारी जिंदगी फिर नेटवर्क ही बनाते रहो। तो नेटवर्क के टाइम पे नेटवर्क बनाओ, पैसे के टाइम पे पैसा बनाओ। आपका कोई भी व्यक्ति आपको कमा के तब देगा जब आप उसको राइट टाइम पे ज्वाइन करा के राइट एजुकेशन दो। जैसे ही आपने, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूं एक बात, आपके घर की समस्याएं आपको लगता है किसी को नहीं पता पर पूरा मोहल्ला जानता है इनके घर की समस्या क्या है, जानता है कि नहीं बोलो, हर घर की कहानी आपको हर घर के बारे में पता है। कैसे पता है, बस उनको वहम है कि किसी को नहीं पता, तो जो आदमी फैमिली बोनस बनाता है उसको पता है किसी को नहीं पता मैं ऐसा कर रहा हूं, पूरी टीम जानती है भाई कैसा कर रहा है।
और जब पूरी टीम ये जानती है कि ये इस तरह का लीडर है तो आपका सम्मान खत्म, मान खत्म, और सम्मान मान खत्म तो नेटवर्कर को मौका मिलते ही फ्री हो जाता है। क्योंकि ध्यान करना, आप जब किसी के किराए पे मकान में थे, मकान मालिक बार बार आपको परेशान कर रहा था, आपने ऐसे नहीं बोला आज खाली करता हूं, क्या बोला, कोई ढंग का सा मकान मिल जाए मैं तो खुद ही दुखी। किसी जॉब को आप कर रहे हो तो आप क्या कहते हो, कोई ढंग की सी जॉब मिल जाए मैं तो खुद ही दुखी हूं इससे। ऐसे ही कोई नेटवर्कर आपके साथ तब तक टिका हुआ है, कोई ढंग का सा मौका मिल जाए मैं तो खुद ही दुखी हूं इससे। ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रोकोगे उसको, कैसे नेटवर्क बनेगा? आप 6 महीने तक घर में एक पैसा नहीं आए, लेकिन टीम बन गई 500 लोगों की, तो जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें 6 बार पैसा ना आए। लेकिन 6 महीने तक पैसा आना चाहिए, तो आगे पूरी जिंदगी में 6-6 दिन में एक बार पैसा आएगा। तो आप नेटवर्क में हो तो नेटवर्क बनाओ, ट्रेडिशनल में हो तो ट्रेडिशनल को करो। हर तरीके का बिजनेस है, इंग्लिश की क्लास में हो तो इंग्लिश पढ़ाओ, हिंदी में हो तो हिंदी पढ़ाओ, मैथ में हो तो मैथ पढ़ाओ, क्योंकि बात पढ़ाने की नहीं है, बात है उस सिस्टम को फॉलो करने। तो मैंने आपको आज एक गूढ़ रहस्य बता दिया है, कितना भी कम पैसा आ रहा हो, बादशाहत आपकी काबिल होगी, आप ही आपके आप ही राजा बनेंगे। आपने देखे हैं कि नहीं, राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जरूरी नहीं है राजा बनने के लिए आपके पास पहले सब कुछ हो, कई बार सब कुछ दान करके भी राजा बनना जा सकता है। और राजा बनने के भी 2 तरीके हैं, एक सीट पे बैठा हुआ राजा और एक दिल में बैठा हुआ राजा। तो कौन से वाला राजा बनना चाहते हो आप? सब क्या सीट पे बैठे हुए राजा बन रहे हैं, ऊपर है वो अपलाइन नहीं, अंदर है वो अपलाइन है, ऊपर है जो तो एक नंबर है। अगर आपको वोटिंग कराई जाए ना कि आप अपने अपलाइन को क्या कहना चाहते हैं, नाम नहीं लिखना, तो फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे नंबर 10 में से? लेकिन दिल में बैठा हुआ अपलाइन, दिल में बैठा हुआ अपलाइन अलग। तो इसलिए आपको फोकस ऐसा करना है, काम ऐसा करना है, दिलों का राजा बनना है। तो ये लास्ट अपनी स्लाइड है, राइट कस्टमर कौन होता है? जब आप 2 बार कम से कम किसी से मिल लें, उसकी हिस्ट्री पता कर लें, और फिर उसको कोई चीज बताते हैं, तो आपको पता होता है ये आपका राइट कस्टमर है। मेक लिस्ट, मैंने आपको तरीका बताया, मीटिंग लास्ट डेट लिखिए कि आप इससे लास्ट में कब मिले थे, आज से 6 महीने पहले लगभग लिख दो, 6 मंथ 3 मंथ ऐसे। प्रेजेंट मीटिंग के अंदर आपको क्या करना है, चाय पीनी है, बातचीत करनी है, कस्टमर एक डिस्ट्रीब्यूटर ये पता करना है। जैसे ही पता चल जाए कस्टमर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तुरंत आप उसका उसी तरीके से प्लान कर दो। राइट कस्टमर का अर्थ है 2 तरीके लोग मिलेंगे आपको, एक लोग जो स्वस्थ लोग है, ये फोटो नहीं आ रही इसकी कोई कारण से, एक यहाँ पे अनहेल्दी लोग थे। ज्यादा हेल्दी लोगों पे फोकस करो, क्योंकि हेल्दी लोगों के पास पैसा कमाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अनहेल्दी के पास तो बार बार बीमार होकर बेड पर सोने का भी रास्ता है। आप प्रोडक्ट दे रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि ये हेल्दी है इसलिए इसका क्या काम का, परिवार में तो कोई हो सकता है ना, लेकिन चुनाव तो उसी का करो भाई। एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो बच्चा थोड़ी ना पैसा कमाता है, टारगेट तो फादर ही होंगे ना, तो आप चॉकलेट देते समय पिताजी को देते हो कि बच्चे को दे देना? तो मैट्रेस भी तो दे सकते हो स्वस्थ आदमी को, कि घर में कोई यूज कर लेगा, कुछ नहीं तो आप यूज करो, क्या दिक्कत है? हमें क्या लगता है अगर स्वस्थ बैठा हुआ है इसके क्या काम? अच्छा, प्रेजेंटेशन में पहला वर्ड क्या होता है देखना आप, बीपी, शुगर, एसिडिटी सब ठीक करता है, और उसके दिमाग में क्या चलता है, ये कोई दवा है, मेरे तो है नहीं। पहला सवाल आपने क्या दिया उसको, ये सब ठीक करता है सर, आप मुझे बताओ, मैं आपको एक टैबलेट देता हूं, मैं अभी आप सब हो यहाँ पे, किसी को शुगर नहीं है और मैं कहता हूं ये शुगर की टैबलेट मुझे मुफ्त मिली है हॉस्पिटल से, 5 आप रख लो, 5 मैं रख लेता हूं, आप ले लेंगे क्या 5? आप क्या कहेंगे, नहीं, मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, ये 5ों टैबलेट फ्री मिली है, आप ले लो खाओ अच्छा रहेगा। आप क्या कहोगे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने सारा फोकस उधर ही कर दिया। लेकिन मैं आपको बोलता हूं ये 5 टैबलेट आप ले लो, एक टैबलेट 50 रुपए की है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे सस्ते में निकाल देना, अपने पास तो ऐसे ही पड़ी है। अभी आपको क्या लग रहा है 250 रुपये आ रहे हैं, 200 में भी निकाल देंगे, चलो भाई दे दो। आप मैट्रेस से बिजनेस बताओगे तो समझ जाएगा, मैट्रेस से कहोगे शुगर ठीक हो जाएगी, वो तो कह रहा है मेरी पहले ही ठीक है, कैसे समझाओगे उसको? वो अंदर अंदर ये सोच रहा है कि मैं जबरदस्ती क्यों लूं, क्योंकि हिंदुस्तान में न्यूट्रिशन को भी लोग दवाइयां समझते हैं, कोई इलाज नहीं है उसका। आप समझाने बैठोगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी, क्योंकि आज से पहले हम भी न्यूट्रिशन को दवाई समझते थे। अगर न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन समझे तो डॉक्टर की पर्ची की क्या हो सकता है, अपने आप ले लो, लेकिन समझते ही नहीं है, वो कहते हैं दवाई है।
आप एलोवेरा भी तब तक लेते हो जब पेट साफ हो जाता है, तो एलोवेरा बंद हो जाता है। देखो पेट साफ है तो एलोवेरा एक्सपायर हो जाएगा, और एलोवेरा ठीक है तो पेट खराब होगा, दो में से एक चीज खराब मिलेगी आप। इसका मतलब हमें न्यूट्रिशन, लोगों को समझ में ही नहीं आता न्यूट्रिशन होता क्या है, तो इसलिए आपको उस झंझट में नहीं पड़ना, आपको अपना परफॉर्मेंस उसी हिसाब से देना है जैसे सामने वाला है। तो स्वस्थ व्यक्ति को प्रमोट क्या करना है, इतनी बेहतरीन चीज है सर ये, इन सब चीजों को कैसे मेंटेन करती है मैं आपको बताता हूं। खेल यहां से होना चाहिए, ठीक है? चलो धन्यवाद सर सबको, थैंक यू वेरी मच। यस सर, जयदेव सर, आज का सेशन में यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। एक आपका रील भी बना लेता हूँ छोटी सी। थैंक यू विनीत सर, आज आपने बहुत अच्छी तरह से एक एक एग्जाम्पल दे करके पूरा बिजनेस का फंडा हमको समझाया। बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, सुपर से डुपर। और एक आज सर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना करने का है, तो उसके बाद में तीन चार लोगों का शेयरिंग लेंगे। तो पहले हम थोड़ा इम्पोर्टेंट बात करेंगे। अभी 8 मई को हमारे अहमदाबाद में